हाँ, यहाँ गणित कक्षा 10 हिंदी मीडियम है, तो इसको मैं 10.2 10.2 प्रश्न वाली बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर दूसरा है, संलग्न आकृति में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर, ये आपको चित्र बना हुआ आएगा उसमें, इसीलिए लिखा हुआ है संलग्न आकृति, ठीक है ना। तो टीपी क्या है, देखो टीपी और टीक्यू ये स्पर्श रेखाएं दोनों, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं, देखिए पी ओ क्यू 110 डिग्री, ये पी ओ क्यू जो है वो 110 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपको पी टी क्यू बताना है, पी टी क्यू यानी कि ये वाला एंगल बताना है आपको, ठीक है ना, ये एंगल बताना है, तो एंगल पी टी क्यू ये एंगल बताना है, ये एंगल पता है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ हम लिखेंगे हल, हम जानते हैं कि तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखा 90 डिग्री की होती है, ठीक है, केंद्र से स्पर्श रेखा को, केंद्र से जो स्पर्श रेखा को जो मिलाने वाली रेखा वो 90 डिग्री का कोण पर मिलती है, ऐसे नहीं, इस तरह लिखना चाहिए, केंद्र से स्पर्श रेखा पर मिलने वाली बिंदु 90 डिग्री का होता है, केंद्र से स्पर्श रेखा पर मिलने वाला बिंदु 90 डिग्री कोण बनाता है, जिस तरह की यहाँ पे ये, इस तरह देखिए, ये केंद्र से यहाँ पे स्पर्श रेखा को जो बिंदु जहाँ पे मिल रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना, तो 90 डिग्री के तो कोण ये हो गए दोनों, क्योंकि ये स्पर्श रेखा ये है और ये भी है, दोनों जगह ये कोण, ये लाइन जो मिल रही है रेडियस इसकी जो त्रिज्या, तो ये 90 डिग्री कोण बना रही है, ठीक है। अब ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का बन गया, क्वाड्रिलेटरल का मतलब हिंदी में बोलेंगे चतुर्भुज, ठीक है ना, ये एक चतुर्भुज टाइप का बन गया, तो चतुर्भुज में क्या करेंगे, देखिए चारों का सम कितना होगा, लिखेंगे अतः अतः ओ क्यू टी पी एक चतुर्भुज बनाता है, एक चतुर्भुज है, इस तरह लिख दो, एक चतुर्भुज है क्योंकि चतुर्भुज की आकृति में, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, अतः अब देखिए सबका सम कितना होता है चतुर्भुज में, 360 होता है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस, ये जो एंगल बचा अकेला, एंगल क्या था, पी टी क्यू, तो एंगल पी टी क्यू ये 360 होगा, ठीक है। तो अब सबको जोड़ दो, तो 9 दूनी 18, 180, 190, 290 हो जाएगा जोड़ के, 290 प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर 360, 290 को पक्षांतर कर दो, एंगल पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290, इसका चिन्ह बदल जाएगा उधर जा, तो एंगल पी टी क्यू बराबर इसमें से ये घटा दो, 16 में से 9 गए 7, ठीक है, यहाँ 2 में से 2 कुछ नहीं, 70 डिग्री बचा, तो ये यही आंसर है आपका, 70 डिग्री आएगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पे अच्छा, इसके मैंने वो नहीं लिखे, इसमें जो है चार ऑप्शन थे वो मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, आपका आंसर 70 आ गया, उसमें से 70 डिग्री पर टिक कर देना, जो भी ऑप्शन होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, चलिए ठीक है।